नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल इंडियन टेस्ट में। चलिए दोस्तों, आज हम और आप मिलकर बनाएंगे काले चने के कबाब। जी हाँ दोस्तों, भेज कबाब हम लोग बनाएंगे। इसको रात भर एक कटोरी चने को मैंने भिगो रखा था, इसके पानी को बिल्कुल मैंने निकाल दिया है। अब इसे अच्छी प्रकार से धो करके इसको चलिए हम लोग कुकर में पकाएंगे। देख सकते हैं कुकर ले लिया मैंने, कुकर में इस भिगे हुए चने को डाल दूंगा और पानी ऐड कर दूंगा। इसके बाद फिर इसमें स्वादानुसार नमक भी डाल देंगे। ढक्कन लगाकर इसे हम लोग चार सीटी आने तक इसे हम लोग पकने देंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने पानी डाल दिया है और इसमें हम लोग नमक भी डाल देंगे अब। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारे YouTube चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका एक एक कमेंट मुझे उत्साह दिलाता है कि मैं फिर आपके सामने किसी नई रेसिपी के साथ में नई वीडियो लेकर के आता रहूँगा। इसी प्रकार से देखिए, इस प्रकार से ढक्कन लगा दिया मैंने। अब इसे गैस में हम लोग चार सीटी तक इसे हम लोग पकने देंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए ये जब तक ले चार सीटी आने तक पक रहा है, तब तक ले हम लोग इस कबाब के लिए हम लोग तीखी धनिया पत्ती की चटनी हम लोग तैयार कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, एक मिक्सर ग्राइंडर जार में मैंने धनिया पत्ती ले लिया है, बिल्कुल हरी ताज़ी है। अब इसके अंदर हम लोग पहले दो हरी मिर्च, उसके बाद फिर एक इंच अदरक, उसके बाद फिर 5 से 6 कलियां लहसुन की हम लोग डाल देंगे। उसके बाद फिर इसमें हम लोग एक छोटा चम्मच खड़ा जीरा और आधा टमाटर, स्वादानुसार नमक, और इसे और चटपटा बनाने के लिए इसमें हम लोग एक चम्मच नींबू का रस ऐड कर देंगे। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप आमचूर का पाउडर इसमें डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको हम लोग ग्राइंड कर लेंगे। देखिए दोस्तों, ये ग्राइंड हो चुका है और हमारी तीखी चटपटी हरी धनिया की पत्ती की चटनी तैयार हो चुकी है। चलिए इसे हम लोग बाउल में निकाल लेते हैं अब इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, चलिए निकाल लिया मैंने। देखिए दोस्तों, 3 सीटी लग चुकी है, अब 4थी सीटी आनी बची हुई है। देखिए 4थी सीटी भी आ गई है हमारे कुकर की। अभी गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और कुकर के गैस को रिलीज होने देंगे हम लोग। और तब तक लिए हम लोग देखिए इसके पानी को बिल्कुल मैंने निकाल लिया है और देख सकते हैं कि चना को मैंने दिखा दिया आप लोगों को, ये पक चुका है बिल्कुल। अब इसे हम लोग मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल देंगे और इसका हम लोग पेस्ट तैयार कर लेंगे। पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसका जो पेस्ट बनेगा वो बिल्कुल गीला बन जाएगा। देखिए हमारा पेस्ट तैयार हो गया है। अब चलिए इसको मिक्सर बाउल में हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए इस प्रकार से निकाल दिए। सॉरी दोस्तों, देख सकते कि अभी मेरा कैमरा बंद हो गया था, इसी कारण मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाया। इसमें मैंने एक आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच मिर्च पाउडर, आधी चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर इसमें ऐड किया हूँ। उसके बाद फिर सादा स्वादानुसार नमक मैं इसमें ऐड कर दिया हूँ, देख सकते हैं। और 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट हम लोग डालेंगे। प्याज का पेस्ट नहीं डालना है इसमें, कबाब में प्याज का पेस्ट नहीं डलता है, ध्यान रखिएगा। और इसे चटपटा बनाने के लिए हम लोग 1 चम्मच नींबू का रस भी डाल दिए। पेस्ट को फिर अच्छे प्रकार से मिक्सर को लोग पेस्ट बना लेंगे। अगर आपको लगे कि आपका मिश्रण ज़्यादा गीला हो गया है तो आप इसमें बेसन ऐड कर सकते हैं, और आपको लगे कि नहीं है तो ठीक है फिर। चलिए दोस्तों, अब इसके हम लोग सारे कबाब बना लेंगे। हाथ को साफ कर लिया है, अब हाथों में थोड़ा सा हम लोग ऑयल लगा लेते हैं ताकि मिक्सर हमारा हाथ में चिपके नहीं। फिर छोटे छोटे बॉल तैयार करेंगे और उसके कबाब बनाएंगे हम लोग इस प्रकार से। देखिए गोल करते हुए इसको हम लोग हल्का प्रेस कर देंगे और इसके किनारों को राउंड शेप हम लोग दे देंगे। इस प्रकार से सारे कबाब हम लोग तैयार कर लेना है। आपको ध्यान रखना है कि कबाब ज़्यादा मोटा ना हो, ज़्यादा बड़ा भी ना हो, नहीं तो ये पकेगा नहीं, बाहर पक जाएगा और अंदर का हिस्सा वो कच्चा रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए इस प्रकार से हम लोग सारे मिश्रण के कबाब तैयार कर लेंगे।
दोस्तों आप हमारी यूट्यूब चैनल को पहली बार देख सकते, सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है कि आप हमारी वीडियो को स्किप करके ना देखें। मैं पहले ही प्रयास करता हूँ कि हमारी वीडियो जल्दी लंबी ना बने। देखिए सारे कबाब तैयार हो गए हैं बिल्कुल से, देख सकते हैं अब, जैसा कि ये देखिए दोस्तों। अब चलिए इसे हम लोग शैलो फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, पर मैं इसको स्लो फ्राई करूँगा। एक पैन को मैंने चढ़ा दिया, देख सकते हैं कि ये, और उसमें हम लोग जब पैन गर्म हो जाएगा तो ऑयल डाल देंगे और ब्रश की सहायता से ऑयल को सारे पैन में फैला देंगे। देखिए इस प्रकार से, देखिए। और गैस के फ्लेम को बिल्कुल मीडियम लो में रखना है, हाई में नहीं रखना है, नहीं तो इसका बाहरी हिस्सा पक जाएगा, अंदर का हिस्सा कच्चा रह जाएगा। चलते मीडियम फ्लेम में रखते हुए हम लोग इसको पकाते रहेंगे। इस प्रकार से देखिए पकने देंगे और हर 5 मिनट के बाद में इसके सिरे को पलट देंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग देखिए लेंगे और जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा कबाब लगभग तैयार हो गया है। देखिए ये कबाब तैयार हो गया है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग ठंडा होने देंगे, ताकि क्योंकि यह गरम गरम में बिल्कुल सॉफ्ट रहता है, इसलिए थोड़ा सा गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं हम लोग और इसे ठंडा होने देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग इसको सर्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए गैस के फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। अब देखिए ठंडा हो चुका है, एक सर्विंग बाउल भी ले लिया। देख सकते हैं हमारा क्रिस्पी स्वादिष्ट लजीज काले चने का कबाब तैयार हो चुका है। दोस्तों आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा, और इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाने का प्रयास कीजिएगा, और कैसी बनी आपकी रेसिपी एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और किसी खास रेसिपी की आपको बनाने की इच्छा तो उसका भी आप इच्छा जाहिर कर सकते हैं, मैं उसको प्रयास करूँगा कि अगले वीडियो में आपके सामने बनाऊँ। और इसे हरी धनिया पत्ती चटनी के साथ में हम लोग सर्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए हमारा काले चने का कबाब बिल्कुल तैयार है।